अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज बनाने जा रही हूँ जीरा रसम, बैंगलोर जीरा रसम। ये बहुत अच्छा रहता है, खट्टा खट्टा टेस्ट है, हर जगह बनता है, हर होटलों में रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएगा जीरा रसम, बैंगलुरु जीरा रसम। तो चलिए बनाते हैं। जीरा रसम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताती हूँ। यहाँ पर इमली लेकर हूँ मैं, डेढ़ नींबू जितना इमली लेकर भिगो कर रख ली हूँ। इमली, प्याज, नमक, जीरा, काली मिर्ची, राय, लहसुन, सूखी मिर्ची, करी पत्ता, टमाटर और हरिया धनिया। जीरा रसम बनाने के लिए ये सब चाहिए। जीरा रसम अलग अलग तरीके से बनता है, ये मैं बहुत सिंपल सा बनाकर दे रही हूँ। ये हर जगह बनता है, चावल में भी खा सकते हैं, इसे ऐसे भी पी सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, जीरा को, लहसुन को और काली मिर्ची को हमें दरदरा सा पीस लेना है, या मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं आप, या जो भी आपके पास आम दस्ता हो, सिलबट्टा हो, उसके ऊपर भी पीस सकते हैं। हमें ये तीनों को मिलाकर हमें दरदरा पीस लेना है। यहाँ पर देखिए मैं मिक्सी के जार में पीस ली हूँ इसे। ऐसा हमें दरदरा चाहिए, ज्यादा बारीक नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए। लहसुन, काली मिर्ची, जीरा, इसे निकाल लेती हूँ। यहाँ पर देखिए पीस कर हो गया है। अभी क्या करना है, हमें इमली का जो अच्छे से मसल कर इमली का पानी को निकाल लेना है, अलग से हमें निकाल लेना है। देखिए दो कप में मैं इमली का पानी काट कर रखी हूँ, इसमें इमली का पानी ही ज्यादा जाता है। अभी क्या करना है, हमें गैस पर एक बर्तन रख लेना है। यहाँ पर बर्तन रख ली हूँ मैं, आप बर्तन कढ़ाई जो चाहे आप रखकर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं तेल ले रही हूँ, मैं आधा कप जितना तेल ले रही हूँ, थोड़ा तेल इसमें ज्यादा ही जाता है, आधा कप। एक टीस्पून जितना राई, सबसे पहले हमें राई लेना है, थोड़ा चटकने देना है राई को। यहाँ पर देखिए एक टीस्पून जितना, इतने ही लेकर हूँ मैं, करे पत्ते 10 से 12 पत्ते करे पत्ते, 5 सूखी मिर्ची आधे आधे करके डाली हूँ मैं, ये हो गया है। पर छोटी प्याज ली हूँ मैं, बस छोटी सी, इसे बहुत बारीक काट कर रख ली हूँ, इसे भी हमें इसमें डाल लेना है। अब प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है अच्छे से। यहाँ पर आधा छोटा टमाटर लेकर हूँ, इसे भी मैं डाल लेती हूँ, बारीक काट कर रखी हूँ, इसे भी हमें थोड़ा सा पकाना है, टमाटर को भी थोड़ा सा पका लेना है। टमाटर भी हो गया है। अभी जो मसाला मैं पीस कर रखी थी, काली मिर्ची, जीरा और लहसुन, इसे भी हमें डाल लेना है। अब यहाँ पर इमली का पानी जो काट कर रख ली थी मैं, वो डाल दी। यहाँ पर देखिए मैं 2 कप काट कर रखी हूँ, ये डाल लेना। अभी यहाँ पर दूसरा पानी भी हमें इसमें डालना है। यहाँ पर 2 गिलास, 1 गिलास से मैं 2 गिलास ले रही हूँ। आप ये बहुत पानी जैसा ही रहता है रसम, ये जीरा रसम ऐसे ही रहता है, ज्यादा गाढ़ा नहीं रहता है, पानी ही रहता है, तो आप जितना पानी डाल सकते हैं उतना डाल लीजिए। यहाँ पर मैं 2 गिलास से 1.5 गिलास, यानी कि जो इमली का था वो 1/2 गिलास जितना हो गया, ये 2 गिलास यहाँ पर थे। अभी इसे अच्छे से बॉईल करना है, थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ, मेरे हिसाब से डाल रही हूँ, मुझे जितना चाहिए आप अपने हिसाब से देख कर ले लेना। यहाँ पर 1/2 टीस्पून जितना ली हूँ हरिया धनिया, अभी इसमें हरिया धनिया भी जाता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हरिया धनिया, अब इसे अच्छे से हमें पकने देना है। यहाँ पर देखिए अब इसे अच्छे से बॉईल करना है, बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा है, बैंगलोर में बहुत बनता है ये जीरा रसम, ये लहसुन ये सब जाता है तो बैंगलोर में बहुत बनता है, आप जहाँ भी जाते हो तो आपको ये आराम से मिल जाएगा। आप सफेद चावल में ही खाना है इसे, सफेद चावल में खाइए आप, आपको सर्दी जुखाम कुछ भी होता है तो आप इसे बनाकर 1 गिलास में या कप में डालकर भी पी सकते हैं, खा भी सकते हैं चावल के साथ और पी भी सकते हैं, बहुत टेस्टी रहता है। देखने में सिंपल है, जीरा रसम बहुत टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। आपको, आप जहाँ भी बैंगलोर में जाइए, आपको होटलों में, रेस्टोरेंट में ये मिल जाएगा। जो थाली बनती है बैंगलोर थाली बनती है, इसके बिना थाली अधूरी, ये रहना ही रहना चाहिए। आपको 1 गिलास में दे देंगे वो, आप पी भी सकते हैं, इसे खा भी सकते हैं, बहुत मजे का है। जो मुझे कमेंट्स में बोले थे बनाकर बताइए जीरा रसम, तो बैंगलोर जीरा रसम मैं बनाकर बता रही हूँ, आप इसे जरूर से ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा रहता है।
जब भी ये हमारे घर में बनता है, हमारे बच्चों को सभी को पसंद जब भी बनता है तो बच्चे बोलते हैं कि इसमें पापड़ अचार ये सब बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे बच्चों को क्या है, ये मटन का फाल, ये ऐसा तवा फाल ऐसा बहुत पसंद आता है, वो भी मैं इसके साथ बनाकर देती हूँ। आप इसे बनाकर खाइए, मजे का रहता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। जो भी नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर से कीजिए। अब इसे अच्छे से मैं बॉईल होने देती हूँ। बॉईल होने के बाद आपको निकालकर मैं बताती हूँ। बहुत झटपट बनता है रसम, बहुत इजी और बहुत टेस्टी रहता है ये। देखिए तैयार हो गया है, गैस को कर लेती हूँ बंद, अभी निकालकर आपको बताती हूँ। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत लहसुन की, जीरे की, काली मिर्च की बहुत अच्छी आ रही है, माशाल्लाह। यहाँ पर देखिए ये ऐसा रहता है, ये ज्यादा गाढ़ा नहीं रहता है, ये पानी ऐसे ही रहता है। खाने में इतना मजे का रहता है, मैं क्या बताऊं आपको। यहाँ पर देखिए पीने के लिए गिलास में भी मैं काढ़ कर रख रही हूँ, ऐसे गिलास में डालकर पी भी सकते हैं इसे। थोड़ा सा ऊपर से हरिया धनिया, थोड़ा सा बस। अब यहाँ पर मैं चावल लेकर हूँ, चावल के साथ कैसा खाना है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए रसम को ऐसे डाल लेना है, पहले जितना डालकर खा सकते हैं आप उतना डालकर खाइए। ये देखिए इसके साथ यहाँ पर पापड़, मैं छोटे पापड़ तली हूँ, पापड़। और यहाँ पर देखिए चावल की, इसे चकली मुर्ग जो भी ऐसा बोलते हैं यहाँ पर बैंगलोर में ऐसा बोलते हैं, इसके साथ खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे, यहाँ पर देखिए चावल के साथ थोड़े चावल लेना है, बहुत सारा रसम लेना है, ऐसे खाना है इसे। इतना मजे का बना है, मैं क्या बताऊं आपको। साथ में आप पापड़ भी खा सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा रसम डाल लेना, थोड़ा नहीं डालना आप, ज्यादा डालना, डालकर खाइए। थोड़ा खाने से क्या होता है, उतना टेस्ट मालूम नहीं होता। आप चावल में ज्यादा डालकर खाइए तो बहुत ये देखिए ऐसे पी भी सकते हैं इसे, जब सर्दी जुकाम होता है ये बनाकर पीजिए, फटाफट आपके जुकाम दूर हो जाएगी, ऐसा पी भी सकते हैं, बहुत मजे का बनाया था। ये देखिए आज मैं रसम बना हूँ, जीरा रसम, ये बैंगलोर में बहुत बनता है, तो बैंगलोर जीरा रसम है, ये बहुत मजेदार रहता है, बहुत टेस्टी। एक बार खाएंगे तो बनाकर आप इसे बार 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 इसे याद करेंगे और खाने का मन भी करेगा। सर्दियों में ये बहुत अच्छा रहता है, जब भी बारिश होता है तो गर्मा गर्म बनाकर इसे चावल के साथ भी खाइए, आप ऐसे भी पी भी सकते हैं, ये इतना मजे का बनता है। इसे बनाइए, खाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।